अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। अच्छा, बहुत बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपने जो उनके शोबे हैं उनमें कामयाब हैं, उनसे भी हमेशा यही सवाल पूछा जाता है कि बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए। अच्छा, अगर आप इस चीज़ को देखें तो इसमें बिजनेस के बहुत सारे फायदे हैं। अगर बिजनेस के बहुत सारे फायदे हैं तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में फायदे हैं और जॉब में नुकसान है। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज होती है, उसकी अपनी अप्रोच होती है। आया कोई इंसान अगर जॉब कर रहा है, अच्छी जॉब कर रहा है, तो वो बिजनेस कर भी सकता है नहीं, वो बिजनेस को सक्सेसफुली चला सकता है भी या नहीं, तो ये सवाल बहुत अहम है। लोग कहते हैं कि यार मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, मैं अपनी जॉब छोड़ के कोई भी अपना काम करूंगा तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उसमें मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं वो उनकी टेंडेंसी होती है जॉब करना। अगर वो अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस करें तो उनका उस तरह का माइंड नहीं होता, वो फिर नुकसान ही करते हैं। और अगर एक दफ़ा आपने जॉब छोड़ के बिजनेस में आ गया और बिजनेस किया और उस पर लॉस किया और आपको कोई सेटबैक लगा, तो दोबारा उस बंदे के लिए बिजनेस में जाना या बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंसान को अपनी अप्रोच देखनी चाहिए कि भाई अगर आपकी आपके अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, आपके अगर किचन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कोई चीज़ स्टार्ट करें, बिजनेस करें अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि बिजनेस में बरकत भी है, तिजारत में अल्लाह ताला ने बरकत भी रखी है, तो हो सकता है आप कामयाब हों। लेकिन अगर एक बंदा है जो जो जिसकी बिजनेस की टेंडेंसी है ही, वो बिजनेस के बारे में इतनी नोहा है नहीं, तो वो बंदा अगर सोचे कि यार मैं जॉब की जगह बिजनेस करूँ जाके, और वो बिजनेस स्टार्ट करे और उसमें कोई नुकसान कर जाए, तो उसके लिए दोबारा आना और दोबारा काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि भाई अगर आपने आप अपना माइंड देखें कि अगर आप समझते हैं कि भाई आपको आप रिस्क नहीं ले सकते या आपकी उतनी आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आप एक बिजनेस को रन कर सकें, तो आप जॉब करें, किसी जगह पे जॉब करें। जॉब करना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपकी जॉब अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, तो उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि यार अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी अपना हलाल रिस्क कमाने की। तो लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यार, अपना बिजनेस हो, अपना काम हो, अच्छी बात है, बिजनेस होना चाहिए, इंसान को करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपको जो काम आप कर रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको सारी नोहा होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जोश में आके बिजनेस स्टार्ट करें और फिर आप लॉस करें, वो फिर बहुत मुश्किल होता है आपको रिकवर करना। फिर आप मेंटली समझ लें एक तरह से मफलूज हो जाएंगे, आप पर दोबारा कभी बिजनेस नहीं कर सकेंगे। तो अच्छी बात है इंसान बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट ले, ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और भी कोई कारोबार करें। आप बहुत छोटे लेवल से भी कोई काम कर सकते हैं, कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप लें मार्केट से जो कि जिसकी मार्केट हो, जो बिकती हो, आप उससे टेस्ट मार्केटिंग करें और आप बेचें, आप दुकानों पे जाके बेचें, होलसेल से लें, दुकानों पे जाके बेचें। इससे आपको आइडिया होगा कि यार आपके अंदर सलाहियत है बिजनेस की नहीं, क्योंकि फिर अगर एक दफ़ा आप पैसे लगा के, पैसे डाल के किसी चीज़ में कोई चीज़ शुरू करें और वो ना चले, इसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये जो फूड, जो बारबेक्यू फूड सेंटर होते हैं, जो फूड की दुकानें होती हैं, बहुत चलती हैं, इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। तो बहुत से लोग स्टार्ट भी करते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी, हर चीज़ प्राइस, हर चीज़ अच्छी लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं चल पाते, वो लॉस कर जाते हैं। तो उसके लिए यही है कि भाई आप अल्लाह तवक्कुल करें, अल्लाह ताला का नाम लेके कोई भी काम शुरू करें, स्टार्ट करें, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। और वैसे भी ये जो तिजारत है, तिजारत करना तो सुन्नत ही है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल बंदा करना चाहता है तो हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल है, हमारा पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जो एक कहते हैं कि बनिया कल्चर, बनिया वो मिसाल आप कह लें
कि एक दुकान का उनका कॉन्सेप्ट होता है, एक राशन की या परचून की दुकान का, तो अगर वो कितना भी पढ़ ले, वो कितना भी एजुकेटेड हो जाए, वो लेकिन अपनी दुकान को अपने उसको नहीं छोड़ते, वो उसी को ही आगे अपनी जो आने वाली नस्लें हैं, जो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको भी उस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं कि भाई आपने एक दुकान खोलनी है, वह एक जगह खोलनी है जहाँ पर आपने बैठ के एक काम करना है। तो हमारे जो कल्चर है पाकिस्तान में, चूँकि लोग जब यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ लेते हैं, जब पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से, तो उनको उनका माइंडसेट यही होता है कि भाई हमने जॉब करनी है आगे जाके। अगर कोई MBA कर रहा है, कोई MBA मार्केटिंग कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसकी यही अप्रोच होती है कि मुझे किसी कंपनी में, किसी कोई अच्छी कंपनी में मुझे जॉब चाहिए, मुझे काम किसी कंपनी में काम करना है, तो उनकी अप्रोच यही होती है। तो इसलिए वो आगे चलकर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फिर मसला ये है कि मार्केट में उतनी जॉब्स अवेलेबल भी नहीं है। अगर हर साल 20 लाख यूथ, जो यंग जनरेशन है, वो जॉब उनको चाहिए हर साल, अगर वो चाहिए तो मार्केट में 10-12 लाख जॉब्स होती हैं, हर साल निकलती हैं। तो फिर जाहिर सी बात है उसमें कंपटीशन भी बढ़ता है, उसमें फिर आपको स्ट्रेस भी होता है भाई, आपको अगर जॉब मिल गई किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छी जगह आपको जॉब मिल गई, तो फिर मसला ये होता है कि उसको रिटेन करना, उसको वहाँ पर आपको मेनटेन रखना, क्या आप जो दूसरे आपके कलीग्स हैं उनसे आप हर वक्त आपको यही डर रहता है कि यार मुझे निकाल ना दिया जाए, मैं मेरी जॉब ना चली जाए, फिर वो एक अलग स्ट्रेस और एक अलग बंदा जो है ना पीस ऑफ माइंड में चला जाता है। तो जो भी करें सोच समझ कर करें।